नमस्कार सभी को। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, और अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में यस लिख करके बताएं ताकि अपनी क्लास हम आगे शुरू कर सकें। लास्ट क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, दो क्लास हम लोग अभी ले चुके हैं आईटी स्किल पर, और ये दोनों क्लासेस आईटी स्किल्स के साथ साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर बेस्ड थी। यानी हमारा रियल लाइफ में कंप्यूटर्स का क्या यूज है, पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने वही देखी थी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने देखा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हम लोग एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली दो क्लासेस में देखी। इन दो क्लासेस में हमने एक चीज और देखी कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है, नंबर एक चीज। उसकी एक जनरल डेफिनेशन देखी, जैसा कि आप लोगों ने बुक्स में पढ़ रखा है, उसके हिसाब से कौन सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए सुटेबल है, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट और आपके एमबीए के स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होती है। वी आर नॉट इंजीनियर्स, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द इंजीनियर्स, सो हमारी कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स की कंप्यूटर में अंतर होगा। सो कंप्यूटर क्या होता है, हम लोगों ने पिछली दो क्लास में ये देखा। प्लस एक चीज हम लोगों ने और देखी कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक पिछला रिकैप दे रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि इनपुट और आउटपुट, वो पोर्शन जहां से सिस्टम को कुछ इनपुट दिया गया, सिस्टम मतलब हमारे कंप्यूटर को, और आउटपुट जहां से हमें अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन, जो इनपुट दिया गया उसको प्रोसेस करने के बाद हमें जो अपनी आउटपुट प्रोड्यूस जो मिली वो हमारे पास हो गई आउटपुट। तो इनपुट मिल गया हमको, हमको आउटपुट मिल गया, और इन दोनों इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक पोर्शन और मिला जिसको हम लोगों ने बोला सीपीयू। CPU was the main device, जिसको हम लोगों ने ये भी बोला था कि CPU is also known as brain of a computer। सारी प्रोसेस यहीं पर हो रही है, और इस CPU को जब पिन करिए सर, हाँ, जब हम लोग CPU वर्क करते हैं तो CPU का बेसिक काम होता है कि वो इनपुट से इंफॉर्मेशन लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये हमारा सीपीयू का फंक्शन होता है। फिर जब हम लोगों ने सीपीयू को इलैबोरेट किया तो हम लोगों ने ये देखा कि सीपीयू के अपने भी बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। एग्जांपल तौर पे हमने उन्होंने बात की, ALU एक चीज होती है, यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है MU, यानी मेमोरी यूनिट, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कंट्रोल यूनिट यानी CU। इतना हम रिकैप पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या यूज होते हैं, कंप्यूटर के अपने कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट इन दोनों की वर्किंग क्या होती है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोगों ने इनपुट के कैटेगरी के अंदर पढ़े कि कौन कौन से इनपुट हमारे पास अवेलेबल है और कौन कौन से आउटपुट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि रियल लाइफ में हम लोग जिसपे हम लोग वर्क करते हैं बेसिकली। सो हमारी पिछली दो क्लासेस इस पे रहती हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और आज जैसा कि पिछली दो क्लासेस में लोगों का एक रिक्वेस्ट आया था कि सर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताएं, और हम लोगों के सिलेबस में भी सॉफ्टवेयर है, तो आज थोड़ा बहुत हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, और देन उसके बाद में हम लोग सॉफ्टवेयर के जो कहना चाहिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे सॉफ्टवेयर क्या होता है उस पे डिस्कस हम लोग करेंगे। एक चीज और भी है, आप लोगों को सारे जो क्लासेस हैं वो YouTube चैनल के थ्रू मिल रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोग ये जो चैनल है मेरे नाम का उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आज की जो क्लास चल रही है इसका वीडियो आज दोपहर तक आपको मिल जाएगा, तो ये जो चैनल पर आपको जो वीडियो मिल रहा है वो जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पास एक वीडियो पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको रोज सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन उसको बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करें, इट मींस आप नोटिफिकेशन को ऑन कर रहे हैं। सो आज की क्लास होती है हमारी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर
जब हम लोग सॉफ्टवेयर को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है, क्यों सॉफ्टवेयर पढ़ा जाए। नंबर तीन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है। नंबर चार, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं, यानी अल्टीमेटली आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर की। सो आज की क्लास से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे चलने सॉफ्टवेयर को बताने से पहले थोड़ा सा हम और भी वर्ड यूज करेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर का वर्ड यूज करते हैं तो हम साथ साथ में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जैसे हम कहीं कहीं पर वर्ड यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम लोग कहीं कहीं पर यूज वर्ड करते हैं डेटा, कभी कभी हम लोग कमांड यूज करते हैं। ये तीन चार वर्ड्स ऐसे हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर पर डिस्कस करना है तो आपको इन टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें सबसे छोटा वर्ड, जो सबसे प्राइमरी वर्ड है, वो है हमारा डेटा। जैसा आपको बताया गया था पहली क्लास में, डेटा एक ऐसा DATA डेटा, ये एक ऐसा बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक एक रॉ मटेरियल है, रॉ फैक्ट है, फैक्ट्स एंड फिगर है, जो ये बताता है कि एग्जैक्टली वर्किंग हमको इस पर करनी है विदाउट एनी प्रोसेस का जो भी जो अवेलेबिलिटी है उसको हम लोग डेटा कह सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक वर्ड लिख रहे हैं, किसी का नाम ले लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हमने यहाँ पर एक नाम लिया, जैसे ले लेता है राम। अब अगर हम इस नाम को डिफाइन करने की कोशिश करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम, तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, या इसके अपोजिट इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। राम भगवान का भी नाम है, राम किसी इंसान का भी नाम है, राम नाम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं। सो अगर हम केवल राम की बात कर रहे हैं तो वो राम कौन है ये डिफाइन करना मुश्किल है। एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, आप लोगों को समझने के लिए आसान होगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक सज्जन है, उनका नाम है रजनीश। तो ये रजनीश अगर हम बात करते हैं, तो ये रजनीश कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हु इज रजनीश, मे बी आप में से कुछ लोग कह दें कि रजनीश स्टूडेंट का नाम है, तो मेरा आंसर होगा या मेरा फर्दर क्वेश्चन होगा, कैसे मालूम कि ये रजनीश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट ही है, या वो वही स्टूडेंट है जो हमारे साथ MBA में पढ़ रहा है। यानी आपका कहना यहां पर मुश्किल है कि रजनीश कौन है। यानी यहां पर ये जो डेटा लिखा हुआ है वो पूरी तरह से अनप्रोसेस्ड है। अब अगर हमको रजनीश पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करनी है तो हम क्या करते हैं, साथ में उसके लगाते हैं सन ऑफ। अब साथ में अगर हमने इनके पिताजी की बात कह दी या पिताजी का नाम लिख दिया, मान लेते हैं रजनीश के पिताजी का नाम ABC या जो भी है वो लिख दिया, अब हम ये कह सकते हैं यस रजनीश इज अ बॉय या रजनीश इज अ पर्सन हुज फादर नेम इज दिस। यानी अब हम स्पेसिफिक हो गए हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर रजनीश की ही बात कर रहे हैं। अब हम यहां पर स्पेसिफिक जब हो गए तब हमारे लिए एज अ डेटा वर्क करेगा, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से प्रोसेस्ड नहीं है। क्यों, अब ये रजनीश तो लिखा हुआ है लेकिन रजनीश की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये रजनीश जिनके पिताजी का नाम ये है, क्या ये MBA के स्टूडेंट है, ये कैसे कह सकते हैं? अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रोसेस नहीं है, इसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए जब हम अपना एक पूरा एक प्रोसेस वाली शीट बनाते हैं और जब हम उसमें एक प्रोसेस के साथ साथ में ये लिखते हैं, एक शीट बनाए और उस शीट पे हमने लिखा नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और जब हम लोगों ने इतना बनाया तब हम जब इसको डिफाइन करेंगे, जब इसको भरेंगे इस पूरी शीट को कि राम पिताजी का नाम ये और डेट ऑफ बर्थ,
तब हम ये जान पाएंगे कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट या जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिस पर हम लोग प्रोसेस करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा। जब हम लोगों ने इनपुट यूनिट पढ़ी थी तब हम लोगों ने डेटा के बारे में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि डेटा वो एक छोटा सा छोटा एलिमेंट होता है जो रॉ डेटा होता है, जो अनप्रोसेस्ड होता है, जिस पर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं एंड देन उससे हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे रॉ एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डेटा। अब डेटा से ही बनती है इंफॉर्मेशन। डेटा था जो अनप्रोसेस्ड था, प्रोसेसिंग के बाद में हमको मिल गया एक इंफॉर्मेशन। जैसे एक नाम जिनके पिताजी का नाम ये है, जिनका डेट ऑफ बर्थ ये है, जो आइदर मेल या फीमेल है, ठीक है, इसके आगे और ले जाना चाहें तो हम कह सकते हैं जिनका एड्रेस कुछ होगा। इस तरह से हम एक शीट बनाते रहते हैं तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा डेटा का पोर्शन हो गया, डेटा को प्रोसेस हो गया एंड देन उसके बाद प्रोड्यूस हुआ हमारा इंफॉर्मेशन। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट, जब हम इंफॉर्मेशन से और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपको पॉज लेना पड़ा। हम दोबारा शुरू करते हैं कि डेटा, अगर हम बात करते हैं डेटा से इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन को हम लोग इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिए थे, इंस्ट्रक्शंस के बाद कमांड कर दिए, कमांड के बाद हम लोग जब प्रोग्राम पहुंचे, अब हम लोग डेफिनेशन पे पहुंच रहे हैं धीमे धीमे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम को तीन चार कमांड दे रहे हैं। पहला कमांड, जैसे मैंने अपने कैलकुलेटर पर वन प्रेस किया, ये हमारा कमांड हुआ, वन प्रेस किया तो यहां बन के आया वन। उसके बाद हमने दूसरा प्रेस किया प्लस, तो जैसे ही प्लस किया इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं आया। देन हमने ट्राई किया टू, तो वन की जगह पर आ गया टू। एंड देन हमने इक्वल टू पे जैसे ही क्लिक किया तो जो पहला हमारा वन था एंड देन अगेन जो हमारा टू था, उन दोनों को जोड़ने के बाद यहां पर एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ जिसको बोला गया थ्री। सो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। इट मींस जब हम किसी कैलकुलेटर में नंबर ऑफ कमांड्स देते हैं, पहले वन दिया, फिर टू दिया, फिर प्लस दिया, इक्वल टू दिया, ये चार चार कमांड दिए। सो जब हमारे पास नंबर ऑफ कमांड्स हमने इसमें दिए, सो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर कई सारे कमांड्स को जब हमने वर्किंग की तो वो बताता है कि नंबर ऑफ जो कमांड्स हैं वो जब एग्जीक्यूट हुए, सो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सो आज के लिए ये हमने बताया कि सॉफ्टवेयर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, व्हाइल द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कमांड्स। इन द सेम वे कमांड्स कुड बी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुड बी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज अ डेटा, नथिंग एल्स। अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। तो डेटा से शुरुआत करते करते हम लोग प्रोग्राम पे पहुंचे एंड देन प्रोग्राम को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सॉफ्टवेयर में। सो अभी के लिए डेफिनेशन ये हुई कि सॉफ्टवेयर इज नथिंग, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर कितनी तरीके के होते हैं, और जब हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ रहे हैं तब हमारे पास ये आएगा कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है।
सॉफ्टवेयर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोगों ने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह का हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, या जो हम लोगों ने कहा कि जो बेसिक कैटेगरी है वो दो तरह की होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। देन जब हमने पूछा कि आखिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, या कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम सिस्टम या जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, तब फर्दर हमारे पास फिर से इसका क्लासिफिकेशन आता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ स्पेसिफिक तरीके से, जिसमें एक हमारा होता है जिसको हम लोगों ने बोला, जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कॉमन टाइप का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर हम जब भी बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट मींस हम लोग कहीं ना कहीं शायद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम सभी लोग यही जानते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट में बताएंगे, जैसा कि पिछली बार बता चुके हैं हम, जब हम लोग इनपुट और आउटपुट वाली क्लास कर रहे थे, कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरत हो, जिनकी पड़ती है, उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम लोग, अगर आप लैपटॉप पे वर्किंग कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें विंडोज होगी या जिसमें लिनक्स होगा। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो आपके पास आइदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, आपके पास मोस्ट पॉपुलर एंड्रॉइड का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, या अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन का सॉफ्टवेयर हो सकता है। यानी जो हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर का कहने का मतलब वो है जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। अगर आपके मोबाइल से एंड्रॉइड निकाल दिया जाए या उसको डिसेबल कर दिया जाए तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं रह जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है, और इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बहुत कॉमन सा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास सिस्टम होता है या जब हमारे पास मोबाइल होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली वर्क उनका ऑपरेट करना नहीं है, वो ऑपरेशन पर वर्क नहीं करेंगे, उनका फंक्शन होता है कि वो जो जनरल टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं, ये शॉर्ट टर्म टास्क होते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर दें या डिफ्रेगमेंट कर दें या आपके स्कैन कर लें, उससे होता क्या है, ये वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। यहां पर दो तरह के सॉफ्टवेयर तो हमारे पास हैं, एक वो सॉफ्टवेयर जिस पर हम ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरा वो सॉफ्टवेयर जिस पर हम लोग मेंटेनेंस वाला टास्क कर रहे हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। देन एक सॉफ्टवेयर और भी होता है, अभी ये बात समझ लीजिएगा कि हम सॉफ्टवेयर को बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर को बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इसके सॉफ्टवेयर के पार्ट में हम लोग नीचे गए, सो पार्ट में जाने की वजह से इसका पार्ट जो होगा उसको हम इलेबोरेट करेंगे अपने नोट्स में, जब हम लोग प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे तब हम लोग उसको और इलेबोरेट करेंगे। अभी के लिए केवल ये है कि वो पार्ट जो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, दैट इज यूटिलिटी, वो पार्ट जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, दैट इज ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लास्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कैटेगरी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। इसका फंक्शन क्या है, जैसे आप सभी ने सोचा सुना होगा कई बार कि आज का टाइम जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज डिजिटल से जुड़ी हुई है, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, एग्जाम्पल जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो हम ये हेडफोन या माइक्रोफोन लगाए हुए हैं,
इस पर जो वॉइस जा रही है, जो आवाज जा रही है, वो डिजिटल फॉर्मेट में तो आपके पास पहुंच रही है, लेकिन क्या जो हम बोल रहे हैं क्या वो डिजिटल है? कंपाइलर एंड लास्ट में है इंटरप्रेटर। तीन तरीके का हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर एंड लास्ट वन इज इंटरप्रेटर। तो तीन तरीके के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट में लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को और एलैबोरेट करने जा रहे हैं। जैसे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है या दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं GUI और दूसरा होता है CUI। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, अब ये इंटरफेस वाला वर्ड क्या हुआ समझिएगा, सिस्टम यूजर से किस तरह से इंटरैक्ट हो रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जैसे अगर आप में से किसी ने टैली को कभी यूज किया है, टैली सॉफ्टवेयर को यूज किया है, हालांकि टैली इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी एग्जाम्पल देने के पॉइंट ऑफ बता रहे हैं। जैसे आप में से कभी किसी ने टैली का यूज किया है तो आपने देखा होगा वहां पर माउस का कोई काम ही नहीं है। आपको अगर टाइपिंग आती है, इट मींस आपका कीबोर्ड शॉर्टकट मालूम है, तो आप फटाफट काम कर लेते हो। अब है क्या उसमें, सिर्फ उसमें लिखना है, टाइप करना है, कमांड देना है, कमांड कमांड द वर्क, द मेन थिंग इज हियर। यहां पर कमांड यूजर इंटरफेस लिखा हुआ है, यानी ऐसा इंटरफेस इंटरेक्शन यूजर का सिस्टम के साथ में इस तरह से, जहां पर यूजर जो है सिस्टम से थ्रू कमांड्स जुड़ा हुआ है। तो ऐसे पार्ट को या ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं CUI बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे CUI बेस्ड सॉफ्टवेयर। दूसरा है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर हम अपने एंड्रॉयड की बात करें, अगर हम अपने जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात करें, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। इसके दो दो तीन तीन एग्जांपल भी हम लोग दे सकते हैं। एग्जांपल तौर पे पहला एग्जांपल जो हम लोगों ने दिया है वो हम लोग दे सकते हैं विंडोज का। इसके अलावा एंड्रॉयड का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी हो सकता है लिनक्स। तीन तीन एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। जैसे लिनक्स हो या विंडोज हो या आपका एंड्रॉयड हो, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो ग्राफिकल बेस पर हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस पर हैं, और इनका बेसिक पर्पस यही है कि वो सिस्टम के साथ में यूजर का जो इंटरेक्शन है वो ग्राफिकली करते हैं rather than a command base। अब आते हैं CUI बेस पे। वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड बेस पर वर्क करते हैं, यानी जिसपे हमारा कोई भी ग्राफिकल वर्क नहीं पॉसिबल है, उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग हो सकते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक्स और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डॉस और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज। अगर आपके सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल्ड है, चाहे वो वर्जन कोई भी हो, चाहे वो विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, विंडोज से पहले के जितने भी वर्जन हैं वो हो, तो आपको उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक और सॉफ्टवेयर मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली सबसे
किसी भी सिस्टम को जब हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिकली होता डॉस पे ही वर्क है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग हमारे सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है, एक दूसरी कंपनी है रेड हैट कंपनी, उसका अगर लिनक्स इंस्टॉल्ड है तो हमारे पास जो एक दूसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो होता है यूनिक्स। यूनिक्स इज अ सिमिलर टू डॉस, या यूं कह सकते हैं कि इसका एक एक अल्टरनेटिव है। तो यूनिक्स हमको मिलता है लिनक्स के साथ में, और जो विंडोज है उसके साथ में हमको मिलता है डॉस। सो दो तरह के हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन मिलते हैं सी वाई बेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए। आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जो पूरा एक चार्ट है इसको बना लीजिएगा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने बता दिया। उस सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं या दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है ऑपरेटिंग, सॉरी दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो फर्दर तीन तरीके का होता है। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसका काम केवल और केवल मेंटेनेंस का है, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फर्दर दो तरीके का होता है, एक होता है जिसको हम लोगों ने बोला ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, जिसमें हमारे पास कैटेगरी है दो तरह की, एक सीयूआई और एक जीयूआई। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं, आइदर यूनिक्स आइदर डॉस। इन दोनों में अगर हम पॉपुलर की बात करें तो डॉस ही है, क्योंकि डॉस विंडोज के साथ में आता है और विंडोज सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे टाइम पर है। और दूसरा अगर हम GUI में जाते हैं तो हमारे पास दो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। आज के टाइम पर अगर आप लोग मोबाइल की बात करते हैं तो एंड्रॉइड, सिस्टम में बात जाते हैं तो विंडोज एंड लिनक्स, ये हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज एंड देन लिनक्स। ये हमारे पास तीन तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास GUI कैटेगरी में होते हैं। कर रहा है तो वो हमारी फाइल जो बन रही है या वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो इसको सपोर्ट कर रहा था वो CUI वाला है या वो सिंगल टास्किंग वाला है। हम फिर से बोल रहे हैं, सिंगल यूजर कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल फाइल और सिंगल प्रोग्राम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल टाइम। एक समय पर एक यूजर एक सिस्टम पर एक फाइल को या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे या एक सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूजर इंटरफेस या सिंगल टास्किंग वाला, जबकि इसके अगेंस्ट में होता है मल्टीटास्किंग। आई होप अभी तक चीजें क्लियर होंगी। इस पूरी क्लास के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, वहां पर आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम लोग और क्लियर करेंगे। अच्छा, नंबर दो, एक चीज और भी है, जब हम वीडियोज को डालते हैं यूट्यूब पे तो वहां पर कमेंट वाला जो सेक्शन होता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है जो आपके क्वेश्चन राउंड के ड्यूरेशन में शायद हम लोग ना ले पा रहे हो, तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन आंसर राउंड वाले के साथ साथ में अपने क्वेश्चंस को वहां का कमेंट पे जरूर लिख दिया करिए। उससे होगा ये कि उस कमेंट को जब हम लोग पढ़ेंगे और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लिया करेंगे। तो अगली बार ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें कमेंट वाले बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख दिया करते हैं। सो खैर, हमारे पास यूटिलिटी हो गया, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास तीन तरीके का हो गया, जिसमें पहला हमारा है असेंबलर, दूसरा है हमारा कंपाइलर एंड तीसरा हमारे पास है इंटरप्रेटर। ये तीन तरह का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हो गया। सो सॉफ्टवेयर का जो जेनरिक चीज थी वो यहीं पर अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन वाला फेज देखे हैं, तो इसको बहुत इलेबोरेट करके हम आगे नहीं ले जाएंगे। हमारा पोर्शन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या हुआ, वो पार्ट जिस पर हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को एक डायग्राम बताया था, उस डायग्राम को भी हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर दोबारा से रिकैप कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। उस डायग्राम में अगर हम जाएं
तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बताया था कि एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के चारों ओर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के चारों ओर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चारों ओर यूजर्स होते हैं। यानी एक यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहा है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग हार्डवेयर पे वर्किंग कर रहे हैं। यानी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं तो आप हार्डवेयर से अटैच्ड हैं, हार्डवेयर को चलाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा है वो हार्डवेयर के साथ साथ में यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन कर रहा है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप टैली पे काम कर रहे हैं, टैली अगेन इज एग्जांपल ऑफ जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर्स पर जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये हमारा यूजर कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, नंबर तीन क्वेश्चन अभी भी आया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, क्या ये वो सारे सॉफ्टवेयर जिनसे हम डायरेक्ट अटैच्ड हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज बात करें तो ये हो सकता है, जैसे अगर हम कहें कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम विंडोज पे सॉरी हम विंडोज मीडिया प्लेयर पे काम कर रहे हैं, हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं, हम पेंट पे काम कर रहे हैं, हम टैली पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम डायरेक्टली अटैच्ड हैं। अच्छा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो फर्दर दो तरह का होता है, ये भी समझ लीजिए। एक वो सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज्ड। स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड में क्या अंतर होता है ये समझ लीजिएगा। वो सारे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एक कंपनी के थ्रू बनाए हुए हैं, कंपनी की बात अगर हम करते हैं तो इट मींस एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी, ये वो सॉफ्टवेयर जो ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह एग्जीक्यूट हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑल ओवर वर्ल्ड सिमिलर होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज, इसमें आपने वर्क किया कि हमको ऑफिस 2010, अब 2010 इसका वर्जन हो गया, तो 2010 जो उसका सॉफ्टवेयर है ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी इसका यूज करें वो सिमिलर ही होगा, उसके सारे के सारे कमांड सिमिलर ही होंगे, 1% भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये है स्टैंडर्ड कमांड, ये सॉरी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है कस्टमाइज्ड। अब कस्टमाइज्ड क्या है ये भी समझिए। आज के टाइम पर आपने सुना होगा कि हर एक इंडस्ट्री जो है वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवा रही है, कंप्यूटर पर बेस्ड है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लेते हैं कि एक एक ऐसी कंपनी जो टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा मोटर्स की कार को बनाने वाली जो मशीन है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर, या टाटा मोटर्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मंथली सैलरी को कैलकुलेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, ईआरपी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री या इवन पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। जैसे हमारे कॉलेज में एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पर आपका एडमिशन हुआ, उस सॉफ्टवेयर पर आपको लाइब्रेरी से बुक इशू हुई, उस सॉफ्टवेयर पर आपके सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये केवल एसआर का यूज कर सकता है, एसआर वाला पर्सन, यानी जैसे एग्जांपल है एसआर। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कोई दूसरा कॉलेज वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका रीजन हमारा कॉलेज और दूसरे कॉलेज तो सिमिलर हो सकता है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट में अंतर हो सकता है। एक दुकान एक रेस्टोरेंट चलाने वाला सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहा है
तो उसकी ईआरपी में और हमारी ईआरपी में अंतर हो सकता है। यानी ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर, सेगमेंट टू सेगमेंट और पर्सन टू पर्सन आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस वाला जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज्ड। और कस्टमाइज्ड वर्ड जो है उसका सिंपल मतलब होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर बेस होकर के जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज्ड। सो आज के पोर्शन में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ा कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। जितने भी क्वेरीज हैं आप लोग अपना अपने कॉपी पे नोट करते रहे, अभी जब क्वेश्चन अराउंड होगा तब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं चीजें, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर दो, इसके बाद आते हैं इस पोर्शन के अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देख लिया, वो सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर की जो यूजर जिससे अटैच होता है वो हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास हो गया, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर जो बेसिक है, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसका काम आपके सिस्टम का मेंटेनेंस है, नथिंग एल्स। एग्जाम्पल तौर पे आपने सिस्टम को स्कैन किया, आपने सिस्टम को डिफ्रेगमेंट किया, आपने सिस्टम को फॉर्मेट किया, ये सारे काम आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करेगा। नंबर दो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, जिनके थ्रू सिस्टम आपका रन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या यूं कहा जाए कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी जिसको हम लोगों ने बोला GUI, दूसरा कैटेगरी जिसको हम लोगों ने बोला CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एग्जाम्पल तौर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या आपका एंड्रॉइड या लिनक्स, जो कंपनी का लिनक्स जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोगों ने बोला GUI कैटेगरी में। जबकि अगर हम विंडोज के साथ साथ में डॉस या यूनिक्स पे वर्क कर रहे हैं, इधर लिनक्स कैटेगरी में अगर हम यूनिक्स पे वर्क कर रहे हैं या विंडोज के साथ साथ में हम डॉस का वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसको बोला ये CUI वाला सॉफ्टवेयर है, CUI कैटेगरी वाला सॉफ्टवेयर है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। नंबर दो, फिर आते हैं हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास तीन तरीके के हो गए हमारे पास, एक हो गया असेंबलर, दूसरा हो गया कंपाइलर और तीसरा हो गया हमारा इंटरप्रेटर। अब आते हैं ये तीन पार्ट जो है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आखिर ये क्या चीज होते हैं। देखिए असेंबलर नाम से सुनने में आ रहा है असेंबल करने वाला, असेंबल जोड़ना। अब है क्या, जितने भी कंपोनेंट्स आपके सिस्टम में आइदर हार्डवेयर आइदर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सारे सिस्टम्स में जो कंपोनेंट जुड़े हैं उनको असेंबल करके उनको वर्किंग कंडीशन में लेकर के आना, ये असेंबलर का काम होता है। हमारा पर्पस ये है कि जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग कंडीशन में तब आएगा जब वो सिस्टम लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, उसके जो एग्जीक्यूशन है कमांड्स हैं वो सिस्टम लैंग्वेज में आएंगे तब हम उसको बोलेंगे असेंबल करने, असेंबलर होता है। उसका काम यही है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराना सिस्टम की लैंग्वेज में। नंबर दो कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है ये समझिएगा कि जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहां कहां पर हुई। जैसे जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं या किया होगा उन्होंने कभी तो देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी उसके नीचे ग्रीन या रेड कलर की लाइन आती है। रेड कलर लाइन का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रीन कलर की लाइन का मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला करके तो दे रहा है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मान लेते हैं हम सी में वर्क कर रहे हैं, हम ये जावा पे वर्क कर रहे हैं, हम विजुअल बेसिक पे वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर हमारे पास कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमने टाइपिंग जब किया तब उसमें प्रोग्रामिंग में जो हमको कमांड देने चाहिए थे उसमें जो कमियां रह गई, जो एरर्स आई,
उनको बता सके। तो ये काम करने के लिए हमारे पास होता है कंपाइलर। हमने मान लेते हैं 100 लाइन का एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करने से पहले हमने कन्वर्ट किया उसको कंपाइलर के थ्रू। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, यहाँ पर एक पार्ट और भी आता है, वो ये भी समझ लीजिए कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो जनरली इंग्लिश टाइप की होती है प्रोग्रामिंग में, उसको कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये भी असेंबलर कंपाइलर का पार्ट होता है। तो कंपाइलर का बेसिक काम क्या हुआ कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉफ्टवेयर में जो लाइनें लिखी हैं उसमें कहां कहां पर एरर हैं, उन एरर्स को दूर करने का काम होता है कंपाइलर का। मैं समझाया होगा। अब तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो जैसे रशिया में गया, चाइना में गया, ऐसे कंट्री में जाता है, तो वहां उनके साथ साथ में एक इंटरप्रेटर भी जाता है जो दोनों की भाषाएं समझता है। अगर हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, अगर वो चाइना जाते हैं तो उनके साथ में जो इंटरप्रेटर जाएगा तो वो चाइनीज भी जानता होगा और इंडियन भी जानता होगा और इंग्लिश भी जानता होगा। अब जैसे ही वो पहुंचा तो मोदी जी ने उससे बोला इंग्लिश में, और चाइनीज के जो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो हैं, अगर वो चाइनीज में बोलते हैं तो उसका काम होगा कि वो चाइनीज को समझे और उनकी बात को हूबहू इंग्लिश में या हिंदी में, जैसा भी बताया गया होगा, उसको वो कन्वर्ट करे। ठीक वही काम यहां पर होता है इंटरप्रेटर का, लैंग्वेज का एक्सचेंज करना। लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं है, बात समझिएगा। मशीन लैंग्वेज टू नॉर्मल या हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये जो कन्वर्जन है ये काम करने काम होता है इंटरप्रेटर का। नंबर तीन, ये भी एक कंपाइलर ही है। इंटरप्रेटर जो है वो भी कंपाइलर ही है, बस डिफरेंस कहां पर है ये समझ लीजिएगा। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को चेक करता है एक बार में और वो बता देगा कि कौन कौन सी लाइन में एरर्स हैं। मान लेते हैं एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले लिया था कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर में 100 लाइनें हमने टाइप की हैं और कंपाइलर से जब हमने कंपाइल कराया तो कंपाइलर ने बता दिया कि लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 26 और लाइन नंबर 87 में गलतियां हैं, उसको सुधार लो। तो हमने जो है कंपाइलर के हिसाब से उसमें जो गलतियां थी उसको सुधार लिया और उसके बाद कन्वर्ट हो गया वो मशीन लैंग्वेज में और प्रोग्राम रन कर गया। लेकिन इंटरप्रेटर कंपाइलर से थोड़ा सा उल्टा है और थोड़ा सा स्लो है। वो इसलिए है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन चेक करता है, पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, और जहां भी कोई गलती उसको नजर आती है कंपाइलर अपने काम को वहीं पर रोक देता है और तुरंत बताता है कि लाइन नंबर 15 में गलती है। अब जब तक हम लाइन नंबर 15 को सही नहीं करेंगे वो लाइन नंबर 16 पे नहीं जाएगा। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस यही हुआ कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रन करता है, एक बार में गलती बताता है, और जो इंटरप्रेटर हमारा है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है और एरर जो होता है वो बाद में बताएगा और लाइन बाय लाइन चेक करने के बाद बताएगा। अगर लाइन नंबर 15 में गलती थी तो लाइन नंबर 16 पे वो जाएगा ही नहीं। तो ये हमारा आज का पार्ट खत्म होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। होपफुली आप सभी को कुछ जो जनरल चीजें जो हमको आज की क्लास में बताना था वो आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, तो अब हम लोग उस क्वेरीज को वन बाय वन सॉर्ट करेंगे और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए। आशीष सर, कोई क्वेरी है? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पहले हम क्वेरीज ले रहे हैं जो लोग चैट बॉक्स पे हैं, चैट बॉक्स में अगर है या क्वेश्चन आंसर वाले में है तो आप लोग पहले वहां पर हम लोग क्वेरी लेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉलेज में एक सॉफ्टवेयर है, वो है ईआरपी, हम लोग नॉर्मल टाइम बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इस सॉफ्टवेयर में जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है तो उसका जो राइट होगा, राइट मतलब जो अधिकार वाली बात, वो केवल
उन लोगों को होगा जो यहाँ के एम्प्लॉयज होंगे, जो रियल में वर्किंग, जैसे हमारे पास जो राइट है वो आपके अटेंडेंस को मार्क करने का है। हम सुबह क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मार्क योर अटेंडेंस विद योर फादर नेम। फादर नेम लिखना जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर टाइप के नाम है। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज करेंगे ना कि आप, तो आपको कोई राइट उसमें नहीं वर्क दिया गया है, इसलिए आप उसका सिर्फ यूजर हो सकते हैं, आप उसको देख सकते हो। महीने के लास्ट में आपके पास एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, उसका पासवर्ड दे दिया जाएगा लॉगिन का, आप उस लॉगिन से अपने अटेंडेंस को देख सकते हैं कि हमारी अटेंडेंस किस किस तारीख को लगी, हमारी अटेंडेंस कितनी परसेंटेज हुई। बट अगर आप सोचो कि उस पर हम वर्क कर ले, नहीं, ये राइट आपको नहीं है। नेक्स्ट, असेंबलर मैंने आपको बताया था, असेंबल से बना हुआ वर्ड है, मीन्स वो पार्ट जो सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करता है और यूज करने लायक बनाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम यूज करने लायक की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी के लिए केवल इतना समझिए, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, जब क्लास में हम लोग प्रॉपर होंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, या किसी एक दिन क्लास रख लेंगे असेंबलर पर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स से बना हुआ है ग्राफिकल, यूजर मतलब हम लोग, और इंटरफेस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें यूजर का जो इंटरेक्शन होता है, यानी हमारा आपका जो इंटरेक्शन है वो ग्राफिकली हो सके। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं अपने मोबाइल पे, या मोबाइल पे जब आप लोग क्लिक करते हैं, दैट इज ग्राफिकली। अगर हम कैरेक्टर, इसका अपोजिट जो है वो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर हमें कोई ग्राफिक्स नहीं मिलता है, हमको सिर्फ टाइपिंग करना होता है। जैसे अगर आप किसी ने डॉस पे वर्क किया है तो आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की स्क्रीन मिल जाती है जिसपे हमको सिर्फ कमांड देना होता है, टाइपिंग करना होता है, तो वो है CUI, या कैरेक्टर यूजर फेस या कमांड यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब जहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर पर ग्राफिक्स का यूज कर सकें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग ग्राफिकली यूज कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल इंटरफेस मतलब एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, अगर हम बात करें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वर्ड का भी अगर हम कह दें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 10 वाला पोर्शन, तो ऑल ओवर वर्ड तो सिमिलर होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई अंतर हो, वो सिमिलर वर्क करेंगे, सिमिलर कमांड्स होंगे, सिमिलर फीचर होंगे, सब कुछ सिमिलर होगा। तो ये है स्टैंडर्ड। कस्टमाइज वो होता है जो हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर, हर पर्सन, या यूं कहा जाए कि वर्क बाय वर्क अलग हो सकता है। जैसे टैली एक है, तो टैली पर जितना भी वर्क होता है वो है तो स्टैंडर्ड, लेकिन अगर टैली कितने ज्यादा एम्प्लॉय या कितना ज्यादा टर्नओवर वाला होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज आ सकते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें जितनी है उसके हिसाब से हम वर्किंग कर सकते हैं। जैसे किसी इंडस्ट्री का ERP है, होटल वाले का होटल ही यूज कर सकता है, वो हॉस्पिटल में कि नहीं काम हो सकता, हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है ERP पे या सॉफ्टवेयर पे वो हॉस्पिटल में ही वर्क हो सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं सकता। सो ये अलग अलग जो सॉफ्टवेयर अलग अलग इंडस्ट्री में चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं, वो कस्टमाइज है। नेक्स्ट, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के पास। जब हम स्कैन करने के लिए बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि यूटिलिटी में आएगा वो, या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज टोटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और वो यहाँ पर आएगा, और वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, कस्टमाइज भी हो सकता है। वो इसका इसलिए रीजन है कि जैसे आपने वर्किंग की तो आपने बताया कि मुझे एक ऐसा एंटीवायरस चाहिए जो सिर्फ ऑफलाइन वर्क करे, दूसरा पर्सन कह रहा है कि मुझे एक ऐसा एंटीवायरस चाहिए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करे, तो यहाँ पर कस्टमाइज हो सकता है। आपने जब परचेज किया तो आपने बताया कि हमें सिर्फ ऑफलाइन चाहिए, अगर आपका नेट का काम बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सिर्फ ऑफलाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों खरीदते हैं इसका मतलब आप नेट पर भी वर्क कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, लेकिन जो कैटेगरी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
नहीं नहीं अगर रिपीटेशन है तो क्वेश्चन बात वही है कि मेंटेनेंस वर्ड यूज रखिए, हमेशा ध्यान रखिए आपके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने सिस्टम पे जाइए, उसमें आपको एसेसरीज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, स्टार्ट बटन के बाद जो ऑल प्रोग्राम्स हैं उसमें जाइए, उसके बाद आपको एसेसरीज मिलेंगी, उसमें आपको मिलेगा टूल्स, उस टूल्स के अंदर जितने भी आपको कमांड्स या जितने भी आपको प्रोग्राम नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। एक और क्वेश्चन है, टैली जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर? नहीं, अगर मैंने फिर बताया कि टैली का काम एक पर्टिकुलर, हम यूजर हैं, यूजर मैंने पहले बताया था, इसको ध्यान रखिए आपका कंफ्यूजन दूर होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर से जब यूजर इंटरेक्ट होता है तो वो हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि यूजर जो है वो कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये है कि हार्डवेयर को और सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर को प्रोवाइड करे। यूजर जो होता है वो हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अटैच होता है। आप हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही वर्क करते हैं। आप नॉर्मल एक यूजर हैं तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही होगा। आई होप सारे क्वेरीज हो चुके हैं, या कोई अगर कोई और क्वेरी हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आ सकते हैं। अगर अभी भी नहीं है तो जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे उसको फिर से देखिए, फिर से समझिए, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो जब हम यूट्यूब पर डालेंगे तो यूट्यूब वाले पोर्शन में आप कमेंट वाले सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दें, ताकि जब हमारी अगली क्लास होगी या कल परसों जब भी हम इंटरेक्ट होते हैं तो आपसे हम उस क्वेश्चन को पहले ले लेंगे। आई होप कोई क्वेरी शायद बची नहीं है। नो सर, अब आई थिंक सारी क्वेरीज समापन आपने कर दिया है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। और अभी भी कोई क्वेरी है तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं, आप उसको क्वेरीज को रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी मीटिंग खत्म करेंगे और कल मिलते हैं सेम लिंक से 10:20 पे। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, और जुड़ने के बाद आप सभी लोग अपना जब अटेंडेंस मार्क करते हैं तो नेम विद फादर नेम 10:20 से शुरुआत कर दिया करिए। नंबर दो, एक चीज मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अटेंडेंस जो आप लोग मार्क करते हैं वो काफी देर तक किया करते हैं। मतलब अगर हम अभी आज का क्लास भी देखें तो हमने देखा है कि 11:15 बजे तक लोगों ने अटेंडेंस किया है, और बार बार अटेंडेंस लगाने की जरूरत तो नहीं है। अगर आपने एक बार भी लगा दिया है तो हमारी जो ऑनलाइन वाला सेक्शन है उसमें आपका नाम आ जाएगा, और अगर आपने 10 बार लगाया है तो 10 बार नहीं काउंट करेगा, वो काउंट आपका एक ही बार होगा।